जय श्री राम। यह है द बिग बेंच और आप देख रहे हैं कुछ तो लोग कहेंगे। बाईस जनवरी जब भी आती थी यूं ही चली जाती थी, लेकिन आगे से 22 जनवरी जब भी आएगी लोग दिवाली की तरह सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि लगभग 500 सालों के बाद श्री राम की घर वापसी हो रही है। इस बात से पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग मुंह सड़ाए हुए बैठे हुए हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमने बुलाया है एक शख्स को। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दूसरी बार इतना फालतू सवाल सुना है कि कैसे हैं आप। अबे राम मंदिर बन के खड़ा हो गया, मैं क्या मेरी आत्मा भी खुश होगी ना? शरीर पे आत्मा के अलावा बचा क्या है? ऐसा है, मैं मुंह पे थूक दूंगा। और कौन खुश नहीं है राम मंदिर से? सब लोग खुश हैं, और जो खुश नहीं है मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसको देख लूंगा। क्यों, आप मारेंगे उसे? नहीं बेटा, सिर्फ देखूंगा ही, क्योंकि इस उम्र में अब तो ठीक से डकार नहीं मारा जाता, आदमी कैसे मारूंगा। लेकिन आपने कहा कि ये दूसरा फालतू सवाल है, तो पहला कौन सा था? पहला जब कांग्रेस ने उठाया था कि कौन है श्री राम, क्या है उनका अस्तित्व। बताओ, अपने भविष्य के बारे में पता नहीं था और श्री राम के अस्तित्व पर उंगली उठा रहे थे। अरे उन्होंने तो, कांग्रेस ने तो राम सेतु पर भी सवाल खड़े किए थे। बताओ, हमने उनको चुना था ताकि वो पुल का निर्माण कर सके, कंस्ट्रक्शन करे, डेवलपमेंट करे। पुल बनाना तो दूर, उन्होंने तो राम सेतु को तोड़ने की बात कर दी थी। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी। राम सेतु पर उंगली उठा रहे थे, लोगों ने उनके चुनाव निशान से ही उंगली उठा ली थी। तो आप थोड़ा सा जो ये राम मंदिर है इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए। प्रकाश क्या डालिए? अबे मैं आदमी हूँ कि टॉर्च हूँ, प्रकाश क्या डालिए? नहीं मतलब इसके बारे में बताइए। अच्छा, तो चलो बेटा मैं तुमको राम मंदिर के इतिहास की सैर कराता हूँ। सैर मतलब ये कपड़े ठीक है सैर के लिए या बदल के आऊँ? मैं कह रहा हूँ कि मैं मुंह पे थूक दूंगा। अबे सैर कराने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें राम मंदिर के इतिहास के बारे में बताता हूँ। देखो बेटा क्या है, राम मंदिर सबसे पहले बनवाया था श्री राम के बेटे कुश ने। उसके बाद सदियों तक राम मंदिर ज्यों का त्यों खड़ा था, लोग पूजा करते थे। फिर तुम्हें पता है कि 1500 शताब्दी में मुगल आ गए थे, मुगलों का कब्जा हो गया था और उस दौरान कई सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। एक मुगल था जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उसने 1528 में श्री राम मंदिर को तोड़ के वहां पर मस्जिद बना दी थी। तब से उस मस्जिद का नाम पड़ गया था बाबरी मस्जिद, जो बहुत सालों तक खड़ी थी। उसके बाद 1717 में जयपुर के राजा हुए जय सिंह द्वितीय, उन्होंने मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा बनवा दिया था ताकि लोग राम की पूजा कर सकें। उसके बाद 1838 में ब्रिटिश के एक सर्वेयर ने देखा कि मस्जिद के अंदर की जो पिलर थी वो मंदिर की थी, और जैसे ही ये बात वहां के लोगों को पता चली तो उन्होंने मस्जिद के अंदर पूजा शुरू कर दी। बाद में इसको रोक दिया गया। 1855 में अंग्रेजों ने हिंदुओं को अंदर पूजा करने से मना कर दिया, सिर्फ मुसलमानों को इजाजत दी कि आप नमाज अदा कर सकते हो। इससे हिंदू लोग बहुत आहत हुए और कई कम्युनल राइट्स भी हुए थे। उसके बाद 1885 में ये मामला पहली बार कोर्ट पहुंचा और राम चबूतरे के ऊपर छप्पर लगाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। 1934 जब आया तो एक बार फिर से सांप्रदायिक दंगे हुए जिसमें मस्जिद की दीवार एक टूट गई थी। बाद में उसे फिर से बना दिया गया, लेकिन इस बार मुसलमानों को भी मना कर दिया गया, अब तुम भी नमाज अदा नहीं करोगे। फिर 1947 को जब देश आजाद हुआ तो कई हिंदुओं को लगा कि अब वहां पे राम मंदिर बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1949 आया तो पता चला कि मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति मिली है, और जैसे ही ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने मस्जिद के अंदर फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया बेटा। उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। 1980 के बाद बीजेपी और संघ के लोगों ने एक संकल्प लिया कि जब तक विवादित ढांचे के ऊपर राम मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे, और इसके लिए उन्होंने लाखों हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा। फिर जैसे तैसे मामला आगे बढ़ते गया, और बेटा एक दौर तो ऐसा आया कि अयोध्या में लाखों हिंदू पहुंचे थे, और उस वक्त वहां पर मुलायम सिंह की सरकार थी और उन्होंने कार सेवकों पर राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और बहुत हजारों हिंदू मर गए थे। इतना संघर्ष हुआ था बेटा। उसके बाद बेटा 6 दिसंबर 1992
इस दिन को कई लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं तो कुछ लोग काला दिवस। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि लाखों हिंदू छेनी हथौड़ा लेके अयोध्या पहुंच गए थे और इस दिन उन्होंने उस विवादित ढांचे को छेनी और हथौड़े से गिरा दिया था। कई सालों तक बेटा ये मामला कोर्ट में चलता रहा। बाद में इसे ASI के हाथ में सौंपा गया कि तुम पता करके बताओ। जब ASI ने सर्वे किया और ये साबित हो गया कि वो जन्मभूमि राम की थी तो 9 नवंबर 2019 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने वो विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी और लगभग 500 सालों के बाद श्री राम फिर से अपने घर लौट आए। वाह, थैंक यू अंकल जी, आपने इतना कुछ बताया, वरना आज की ये जनरेशन को तो पता ही नहीं चलता कि राम मंदिर बनाने के पीछे कितना संघर्ष है, कितनी जाने गई। तो जब आपने इतना बताया तो ये भी बता दीजिए कि ये राम मंदिर बाकी सारे भारत के मंदिरों से अलग क्यों है? अलग नहीं है। फिर अलग नहीं है, मंदिर कभी अलग नहीं होते हैं, वही भव्यता है, वही शक्ति है, बस इसकी बनावट में थोड़ा फर्क है। जैसे क्या? जैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहला तो ये है कि ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में बेटा मिट्टी के कण के बराबर भी लोहा और स्टील नहीं लगा है। पूरे देश की नदियों का जल मंगाया गया था ताकि श्री राम का जलाभिषेक हो सके। और बेटा तुमको तो पता ही है कि पूजा के वक्त मिट्टी का इस्तेमाल होता है। तुम्हें पता है ये मिट्टी कहाँ से लाई गई थी? कहाँ से? ये मिट्टी थाईलैंड से लाई गई थी। और लाई क्या गई थी? थाईलैंड सरकार ने खुद भेजा था क्योंकि राम राज्य थाईलैंड तक फैला हुआ था ना। इस राम मंदिर में जितनी भी ईंटें लगी है ना बेटा दीवारों वारों को बनाने में, उन सब ईंटों पे श्री राम लिखा हुआ है। देखो बेटा, 1000-2000 साल के बाद ये दुनिया पता नहीं कैसी होगी। लोगों को राम मंदिर के बारे में पता होगा कि नहीं पता होगा, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि मंदिर के 1000-2000 फीट नीचे एक दस्तावेज छुपा के डाल दिया ताकि कभी भी जब लोगों के हाथ में लगे तो उनको राम मंदिर के बारे में पता चल सके। आज के जमाने में उसको क्या बोलते हैं? टाइम कैप्सूल। तो इस कैप्सूल को किस टाइम लेना होता है? बेटा मैं थूक दूंगा तुम्हारे मुंह पे, तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, ध्यान से सुन। सॉरी। देखो बेटा, ये जो राम मंदिर बना है ना, ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है। कैसे? क्योंकि देखो क्या है, जितने भी लेबरों ने मिलकर इस राम मंदिर को बनाया उसमें से कई सारे लेबर खुद मुसलमान हैं। और वहाँ के अयोध्या के मुसलमानों ने ये कहा है कि जब भी आप अयोध्या राम मंदिर आओ और अगर आपको होटल की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप उनके घर में जाकर रुक सकते हो, होम स्टे। जी हाँ। और कमाल की बात देखो बेटा, जैसे मैंने तुमको बताया था कि ASI ने सर्वे करके जो रिपोर्ट दी थी, वो जो ASI का सर्वेयर था वो खुद मुसलमान था, जिसका नाम है KK मोहम्मद। अरे वाह, क्या बात है, आपने ये जो बात कही है ना, कि सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए? टोपी उतार तो जरा। देखा, मुझे डाउट था, अबे तेरे शरीर में रोंगटे हैं ही कहाँ। सर देख अपना, ये मुंह लेके जब तू बाहर जाता होगा तो लड़कियां डर जाती होंगी कि नंगा मुंह देख लिया, इसलिए मैं अपना मुंह ढक के रखा। हाँ बताओ, जितने तेरे मुंह पे बाल है उससे ज्यादा बाल तो आशुतोष राणा के आईब्रो में है। तेरे पास रोंगटे हैं ही कहाँ जो खड़े हो रहे हैं। अंकल कल नहीं भेजू, मैं अपनी पे आऊंगा ना तो फिर आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से बेइज्जत करूंगा। तो और बताइए ना राम मंदिर के बारे में। अबे सब कुछ तो मुझसे ही पूछेगा क्या? अबे ताकत खत्म हो रही है धीरे धीरे मेरी, तू खुद क्यों नहीं चले जाता है? अंकल मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? क्यों, ये बिग बेंच वाले तुझे कन्विंस नहीं देते हैं क्या? ये द बिग बेंच वाले मुझे कन्विंस नहीं देते, कन्विंस कर लेते हैं कि बिना पैसे के काम करो। ओह माय गॉड। अंकल आप ले चलो ना, जब आप जाना तो मेरे को अपने साथ ले चलना। तू मेरे भरोसे बैठा है क्या? हाँ। बताइए कैसा कलयुग आ गया है? पहले जो है युवा लोग बुजुर्गों को लेकर जाते थे, ये कैसा कलयुग है कि युवा जो है बुजुर्गों के भरोसे बैठा है? देखो बेटा मैं तुम्हें ले तो जाता लेकिन मैं खुद राम मंदिर नहीं जा रहा हूँ। एक मिनट, मेरे कान ठीक से नहीं काम कर रहे, कुछ मैल वेल चला गया, मुझे सुनाई दिया कि आप खुद राम मंदिर नहीं जा रहे। तुमने बिल्कुल ठीक सुना बेटा, और मैल तुम्हारे कानों में नहीं है, ये समाज में है, जिसके चक्कर में मैं नहीं जा रहा हूँ। इतना ज्ञान, इतनी बातें, इतना सब कुछ करने के बाद आप खुद नहीं जा रहे? नहीं जा रहा हूँ। क्यों, क्या मुंह लेके जाऊं मैं उस राम के आगे? मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊं? अरे यही मुंह लेकर जाइए, आप कोई रावण थोड़ी जो 10 मुंह में से एक मुंह चुनेंगे। बेटा अगर मैं रावण होता ना तो निसंदेह चले जाता, लेकिन हमारा समाज और हम लोग रावण से भी नीचे गिर गए हैं, जिसका मुंह तो एक है लेकिन चेहरे कई हैं।
मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? डरता हूं बेटा कि अगर श्री राम ने मुझसे पूछा कि क्या ये वही राम राज्य है जो मैं छोड़ के गया था, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। अगर उन्होंने पूछ लिया कि क्या यहाँ आज भी भरत जैसा कोई भाई है जो भाई के लिए सत्ता छोड़ दे, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा कि अब तो भाई सत्ता के लालच में एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ आज भी कोई लक्ष्मण जैसा भाई है जो भाई का साथ देने के लिए जंगल तक चले जाए, तो मैं क्या कहूँगा। अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे हनुमान जैसा कोई मित्र है जो अपने मित्र के लिए समुद्र लांग ले, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अब तो लोग 10,000 रुपये लेकर फोन उठाना बंद कर देते हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पे आज भी सीता जैसी बीवियाँ हैं, तो मैं उन्हें क्या कहूँगा कि बड़े पद पर पहुँच के अब तो लड़कियाँ अपने पतियों को छोड़ देती हैं। अगर उन्होंने पूछा कि क्या हमारे आसपास के देशों से हमारे संबंध ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि आज भी सीमा पर गोली चलती है। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि क्या अब तो शबरी यहाँ ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि इस देश को लोगों ने जात पात में बांट दिया। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया बेटा कि किसी स्त्री पर बुरी नज़र डालने वालों के खिलाफ आज भी लोग लड़ लेते हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि अपने ही लोग अपने ही बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और अपने ही लोग खड़े खड़े देखते रहते हैं। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि कैसा है मेरा देश, तो मैं क्या कहूँगा कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, ट्रेनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे यहाँ के खिलाड़ी सड़कों पे हैं, और क्या कहूँगा कि लड़के और लड़कियों ने हमारे यहाँ के संस्कार बेच दिए। बस इन्हीं सब सवालों के डर से बेटा मैं उन्हें मुंह दिखाने नहीं जा रहा हूँ। अंकल बात तो आपकी सारी सही है, लेकिन इतनी जिद नहीं करते, बहुत खुशी का माहौल है, आपको जाना चाहिए। नहीं बेटा नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं आपको जाना चाहिए। सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों जिद कर रहे हैं आप? सवाल ही नहीं पैदा हो जाइए। नहीं जाऊंगा। एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो, है मधुसूदन निकल गए? मेरी अयोध्या की तुरंत टिकट कराई जाए, मैं कल ही श्री राम मंदिर जाऊंगा। हाँ तुरंत करा दो बेटा। क्या हुआ बेटा? मुझे ना कल अयोध्या निकलना होगा तुरंत। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि नहीं जाएंगे। ये वो सब तो मैंने बीपी लो में कह दिया था। मेरे एक मित्र थे मधुसूदन तिवारी, उन्होंने भी यही जिद ठानी थी कि मैं राम जी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो राम जी ने उन्हें डायरेक्ट ऊपर बुला लिया। तो बेटा कहीं मुझे ना बुला ले इससे पहले कि मैं हरिद्वार लोटे में जाऊँ, एक बार जो है अयोध्या घूम के आ जाता हूँ। ठीक है, शव यात्रा अंकल। अरे शुभ यात्रा बोला जाता है। जब तक आपकी यात्रा पूरी होगी शव ही बन जाएंगे आप। देखो बेटा थूकना ड्यू रहा, एक बार मैं वहां से लौट के आ जाऊं फिर तुम्हारे मुंह पे थूकता हूं। ठीक है चलो। लौट के आएंगे या लोटे में आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन अंकल की बात बिल्कुल सही थी। राम जी तो आ गए, पर द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि राम राज्य कब आएगा और इसे लाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, भगवान राम की, या हम सब की। द बिग बेंच पे बैठिए, सोचिए और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जय श्री राम।